प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही मायने रख रहे हैं। आजकल इसलिए क्योंकि भैया वैलेंटाइन वीक चल रहा है। कभी हग डे, कभी किस डे, कभी चॉकलेट डे, कभी टैडी डे, कभी ये डे, कभी वो डे, एंड फाइनली 14 तारीख को वैलेंटाइन डे। मुझे तो फरवरी का महीना बहुत पसंद है क्योंकि प्यार ही प्यार चारों तरफ हवा में होता है। लेकिन वेट वेट वेट, जब प्यार का अंजाम यहां पर मौत हो तब उस चीज को आप क्या कहेंगे? दोस्तों मैं कहूंगा उसे ट्रेजेडी, जो कि सिर्फ और सिर्फ रोमियो साहब अपने गाने में दिखा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रोमियो जी एक ऐसे कह सकते हैं सॉन्ग राइटर, सिंगर, कंपोजर, एक्टर हैं जो कि गानों में अपनी वो जो स्टोरी दिखाने वाली जो एक मान्यता होती थी उसे आज भी फॉलो करते हैं। वरना आजकल के गाने कहानी कुछ नहीं होती है, सिर्फ लड़का लड़की दिखाते हैं, डांस वांस कर रहे हैं, पब शॉट, ये शॉट, बिकिनी शॉट, ऐसा वैसा, और उसके बाद खत्म। दारू पार्टी लड़की, ये इस जमाने में अगर बात की जाए, कोई स्टोरी आपको बता रहा है, इतना मेहनत करके गाने को बना रहा है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो देखना तो बनता है। बहुत आप लोगों को बता दूं तो रोमियो चैनल पर रिलीज हुआ है रोमियो सॉन्ग रेशम तू चांद है चैप्टर 2। आपको बता दूं तो ये एक म्यूजिकल सीरीज है। और इससे पहले अगर इन्होंने इनके बॉडी ऑफ वर्क की बात करें दोस्तों, तो इनका तेरा फितूर बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हुआ था। ये वो गाना है दोस्तों तेरा फितूर, जिसको कि अभी तक 67 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसकी स्टोरी ऑफ माइंड बॉगलिंग थी, मुझे आज भी याद है एक साल पहले जब ये गाना रिलीज हुआ था। एंड डेफिनेटली मैंने अप्रिशिएट किया था क्योंकि रोमियो ने जिस तरीके से कैमरा एंगल का यूज किया है, मतलब उनके डीओपी ने, या जिस तरीके से टेक्निक्स का यूज किया है, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन सामने आई है, मजा आ गया। चलिए वो सब छोड़िए, अभी इस गाने की बात करते हैं तू चांद है चैप्टर 2। सबसे पहले दोस्तों इस गाने को मैं अप्रिशिएट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसकी जो स्टोरी बताई है वो माइंड बॉगलिंग है, एकदम अलग है। आप लोग जरूर देखिएगा, दुखदाई है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है हालांकि, लेकिन इस टाइम पे हमें अच्छी अच्छी चीजें, प्यार प्यार वाली चीजें देखने का ज्यादा मन करता है। बट ये भी प्यार है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये एक दर्दनाक प्यार है कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत प्यारा है। इसकी लोकेशन, पता नहीं कौन सी वर्जिन लोकेशन में ये लोग शूट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना खूबसूरत टाउन, इतनी खूबसूरत जो है वादियां हैं इस गाने में, उफ मजा ही आ गया। और ऊपर से बर्फ का मौसम, हाय मुझे तो सच कह रहा हूं कि मुंबई की गर्मी अभी जो फरवरी में यहाँ पे चल रही है, मुझे तो यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पे जाने का मन कर रहा है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो एक्टर इसमें रोमियो है खुद और जायरा जैंद है। सिंगर की अगर बात की जाए, सिंगर एंड म्यूजिक जो है वो रोमियो जी ने दिया है। डायरेक्टर फरहाज हैदर है, बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया है, आई वुड लाइक टू से दिस। फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, जो कि जॉनी मोहम्मद एसके ने करी है। दोस्तों एक गाना जो है ये अपने आप में एक कहानी बताता है, दर्द दिल की कहानी बताता है, एक अधूरी कहानी, अधूरी लव स्टोरी। अगर आप लोगों ने दोस्तों रोमियो जूलियट या फिर हीर रांझा इन सब की कहानी सुनी होगी, उसमें एक दर्द था, एक पेन था, दोनों आशिक आपस में मिल नहीं पाए थे। सेम ऐसा जो है तू चांद है चैप्टर 2 की कहानी भी है। तो ये गाना सुनिए, मैं आपको बता दूं तो रोमियो जी का जो ये चैनल है, दिस इज द चैनल, एंड जाइए, जाके ये गाना सुनिए, यू विल डेफिनेटली गोना लाइक इट। एंड भाई अकेले गाना भी गाना है, सिंगिंग भी करना है, म्यूजिक भी देना है, कंपोजिंग भी करना है, एक्टिंग भी करनी है, ये आसान बस की बात नहीं होती है। यू मस्ट गो एंड विजिट। सो चलता हूं और या अभी से ही हैप्पी वैलेंटाइंस डे।